सिंपल ये है कि विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं। तो ये कैब वापस आ चुके हैं क्रिकेट की लेटेस्ट तड़कती भड़कती न्यूज़ के साथ। भाई लास्ट वीक तो इतनी न्यूज आ चुकी है ना क्रिकेट में, तो भैया हमने यही सोचा कि आपको अपडेट कर दे कि क्या क्या धमाका हो चुका है क्रिकेट फील्ड में। तो सबसे पहले उस पे ही आ जाते हैं यार, जो हमारी टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दी है आज लास्ट 3 टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ। सबको लग रहा था उस टेस्ट मैच में कि विराट कोहली की अनअवेलेबिलिटी रहेगी, वही हुआ कि उनके पर्सनल रीजंस की वजह से उनका इस टेस्ट मैच में भी वो अवेलेबल नहीं होंगे, शायद फोर्थ में भी अवेलेबल नहीं होंगे, फिफ्थ का कंफर्म नहीं है अभी ना। मुझे तो शायद लगता है कि उनको तीनों से टेस्ट मैच से उन्होंने वापसी ले ली, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि लास्ट 3 टेस्ट मैचेस की स्क्वाड पहले से अनाउंस करनी पड़नी थी, तो उसमें विराट कोहली का नाम नहीं है। और ये भी अब न्यूज आ रही है कि विराट कोहली ने अपने करियर में पहली बार जब से उन्होंने डेब्यू किया तो कोई टेस्ट सीरीज मिस की है टेस्ट खेलने के बाद। भैया डिविलियर्स ने तो हक दिया था लेकिन उनको हड़काया गया है पीठ पीछे कि भैया तुमने ये कैसे, भाई मैं तुम्हें दोस्त मानता हूं तुम छुरी घोंप रहे हो मेरी पीठ पीछे। तो अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है या उनकी स्टेटमेंट आई है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कैसे जीऊंगा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, मैं अपने दोस्त को हर्ट नहीं कर सकता उनकी पर्सनल। तो ये न्यूज भी आ रही है कि विराट कोहली जी की माँ अब सही है बिल्कुल, और अब अगर ये न्यूज भी नहीं है डिविलियर्स जी ने जो कहा है कि ये न्यूज नहीं है तो क्या न्यूज हो सकती है। बड़ा हरामी हो बेटा, मोटी मोटी मुझे भी उनके पर्सनल रीजन हो सकते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, पर बात सिंपल ये है कि विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं और यहाँ पे इंग्लैंड के चांसेस और बढ़ गए हैं क्योंकि इंडिया इतनी मजबूत है ही नहीं। श्रेयस अय्यर जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे वो भी उनको बाहर कर दिया गया, मतलब सॉरी वो इंजर्ड हो चुके, समझ रहे हो ना, बाहर थोड़ा ना किए, जितने भी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं ना ये इंजरी का नाटक करके बाहर हो जाते हैं, पता नहीं क्या बीसीसीआई कर लेती है उन्हें इंजर्ड की, भाई तुम जाओ इंजरी का। हालांकि जडेजा की भी पर्सनल पंगे बहुत चल रहे हैं उनके पापा के, पॉलिटिक्स घुस गई है उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा। उनका नाम तो आ गया है बाकी 3 टेस्ट मैच की स्क्वाड में जडेजा का नाम है, उनका भी है, केएल राहुल का भी है, पर बीसीसीआई ने कहा है कि उनकी इंजरी को देख के ही हम उनको 100% श्योर नहीं है अभी, मतलब वो टॉप 11 में होंगे कि नहीं होंगे। तो मुझे लगता है केएस भरत को भी मौका मिल ही जाएगा क्योंकि और कोई है नहीं, जुरैल को मुझे नहीं लगता ये लोग खिलाएंगे इतने क्रूशियल टाइम पे। और रही बात पाटीदार की, तो पाटीदार को अब कोई बाहर निकाल नहीं सकता, जो निकालने वाला था अय्यर वो खुद बाहर हो गया। पाटीदार की जगह मुझे लगता है सरफराज खान ये ट्राई करेंगे, बट अगले टेस्ट मैच में नहीं, चौथे पांचवें टेस्ट मैच में कर लेंगे ट्राई अगर पाटीदार नहीं चलते एक बार जीत हाथ में लेने के बाद। और मेजर बात ये है कि बुमराह को ये लोग रेस्ट देंगे तो भैया वर्कलोड कम करेंगे क्योंकि सारा भार बुमराह पे ही है बॉलिंग का। भाई अब ट्रैक समझ जाओ कैसा होने वाला है चौथे तीसरे टेस्ट मैच, जिसका स्पिन होगी भैया 2 किलोमीटर बॉल घूमने वाली है अश्विन की बॉल, भाई अश्विन 550 विकेट कर लेंगे सीरीज के एंड तक। हाँ भैया यही होने वाला, और ऑप्शन ही नहीं है अपने पास यार। और लेकिन हालांकि हर बार ये देखा गया जब टीम इंडिया बैकफुट पे आई है तब तक इन यंगस्टर्स ने जाकर के बहुत ही शानदार खेला है, एकदम हिस्टोरिक जीत दिलाई हम लोग से। वही बात है ना कि यार इंडिया में ये बात तो मुझे लगती है सच में कि इंडिया में जो भी प्लेयर खेलता है भाई वो देता है अपना 100%, या अगर तुम गिल नहीं हो और कॉम्पिटिशन न हो गया और हर कोई प्लेयर मौका ढूंढता है कि भाई मुझे एक मौका भी मिल जाए ना मैं किल कर दूंगा। तो हालांकि वॉशिंगटन सुंदर के भी चांसेस यहां पे बन सकते हैं देखा जाए, क्योंकि वो स्पिनिंग के साथ बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करती है, उन्होंने गाबा में जाकर अपने शानदार परफॉर्मेंस दिया था, तो उनका भी नंबर लग सकता है देखा जाए तो। बट वही बात है ना कि वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे किसकी जगह, वो अभी अक्षर पटेल के साथ जाएंगे जितना मुझे लगता है, अगर इंजरी रहती है हमारे जड्डू जी को तो अक्षर पटेल ही खेलेंगे, और अभी मुश्किल है थोड़ा चांसेस सुंदर के में भी, अगर अक्षर पटेल अगले 2 टेस्ट मैचेस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो वॉशिंगटन सुंदर है ही। तो ये स्टैक है हमारा पूरा, जो टेस्ट स्क्वाड है ना विराट कोहली के बिना पूरा स्टैक है, बट अब यही बात है कि विराट कोहली ने भी कह दिया कि जीत कर दिखाओ करता मैं मेरे बिना, तो लेट्स सी क्या स्क्वाड रहती है। मुझे तो लगता है जो लास्ट टेस्ट मैच में थी स्क्वाड वही होने वाली है टू बी ऑनेस्ट, दो आकाशदीप नाम का उन्होंने कोई नया प्लेयर अभी इंट्रोड्यूस किया है स्क्वाड में, हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसको खिलाएंगे अभी, तो मुश्किल है क्योंकि जगह ही नहीं है टीम में। अगर ऐसा होता है कि बहुत सारे इंजर्ड हो जाए जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ था तो ऑप्शन ही नहीं रहेंगे अपने पास, तो खिलाना ही पड़ेगा मजबूरी। मुझे ये देखना है कि सिराज कितना अच्छा परफॉर्म करता है जसप्रीत बुमराह के अब्सेस में, क्योंकि सिराज ही लीड करेंगे अब इसके बाद, क्योंकि भाई एक मैच तो तुम यहां पे मान के चलो कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देना ही देना, अगला टेस्ट मैच तो वही है रेस्ट बुमराह का, अब सिराज लीड करेंगे हमें आके, और एक ही स्पेसर बहुत है क्योंकि पिछले में भी भाई 2 पेसर की कोई नीड नहीं पड़ी थी, एक पेसर बहुत है, मुकेश कुमार है दूसरे पेसर, तो मुकेश कुमार का जैसी शानदार परफॉर्मेंस थी उस हिसाब से तो भाई लगता नहीं उनके चांसेस लग, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए, टीम में खिलाने के लिए उनको रेस्ट ही कराया जाएगा। हालांकि इसके साथ साथ बैकग्राउंड में एक चीज और चल रही है अंडर 19 वर्ल्ड कप, जिसमें इंडिया
और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से फाइनल में पहुंच गए और इतनी यादें ताजा हो जाती हैं कि हम बोल भी नहीं पाते हैं। भाई यहाँ तक आ गया है, गला यहाँ तक गीला हो गया। एक बार फिर से फाइनल है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के और अनबीटेबल टीम है इंडिया इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में। और ऑस्ट्रेलिया तुम समझ जाओ यार, तो इतने फाइनल में आकर के हारते नहीं, उनका यही रिकॉर्ड है, चाहे छोटी टीम है उनकी चाहे बड़ी टीम है, चाहे सीनियर है चाहे जूनियर। सो कल है, संडे को है महामुकाबला फाइनल, सो होप ही कर सकते हैं, हम कोई प्रेडिक्शन नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रेडिक्शन करते हैं यार, बच्चों में क्या प्रेडिक्शन करें, होप ही कर सकते हैं कि जीत जाए, बच्चे हैं बट जीते भाई वर्ल्ड। अगर जीत जाएंगे तो छठी बार जीत जाएंगे भाई, बहुत बड़ी बात है। बस हमारे सीनियर भी इस बार T20 वर्ल्ड कप जीत जाएं जो होगा मुश्किल लग रहा है, वैसे देखा जाए तो मुश्किल लग रहा है। टेस्ट सीरीज जीत जाए इंग्लैंड के साथ जो होने वाली है हमारी, आईपीएल खेलेंगे तो आईपीएल, हाँ यार आईपीएल तो जीत जाएंगे, शुभमन गिल हमारे 2000 रन बनाएंगे इस बार, आराम से 200 भी मार देगा भाई, आराम से 200 से ज्यादा है, श्रीलंका के एक प्लेयर ने भी 200 मार दिया भैया वो तो ओपनिंग में। लेकिन इस पे मैं कहना चाहता हूँ अफगानिस्तान ने क्या खेला है, नबी और उनका कौन सा वो नबी के साथ बैट्समैन उतरता है, नाम बोल रहा है सॉरी, हाँ उसने बहुत ही शानदार भाई 122 135 दोनों ने रन बनाए, बहुत ही उमदा खेला है भाई यार, 60-70 पे 5 विकेट थी, उसके बाद मात्र 40 रन से हारे हैं, तो हाँ 200 रन की पार्टनरशिप, 380 समथिंग चेस कर रहे थे वो, तो उसके बाद भी तुम 40 रन से हार रहे हो और इतना अच्छा कमबैक करने के बाद, तो भाई बहुत बड़ी बात। और जितना ड्रेसिंग रूम में भी देखा गया कि वो भाई हारने के बाद सैड नहीं हो रहे थे, हाथ मिला रहे थे, हमारा मिशन अकम्प्लिश हुआ, हम यहाँ सीखने के लिए, सीखने के लिए कि हम जितना क्रिकेट सीखेंगे ये स्पिरिट चाहिए यार क्रिकेट के लिए यार। यहाँ पे श्रीलंका की इनिंग जीतने के बाद भी उसको कम कर देना, 200 जिसने बनाया उस बंदे का नाम कम कर देना, बहुत बड़ी बात है, आप ऐसा परफॉर्मेंस लड़ के जा रहे हैं। तो मोटी मोटी यही न्यूज है अभी मुझे जो लगता है क्रिकेट की है। और आप हमें बताओ कमेंट्स में कि आपकी टेस्ट 11 क्या होने वाली है इंडिया के लिए, इंग्लैंड के लिए, और इंडिया के लिए कितना मुश्किल रहने वाला है जीतना, ये भी विराट कोहली के बिना, और विराट कोहली कितना खेलेंगे हमको ये भी आप बताएं। इसी नोट पे हम लगता है एंड करना चाहिए, जी 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 एंड करते हैं इसके साथ, जय हिंद।